Okay, so good evening and welcome to the first lecture of chapter Heron's formula. Okay, Heron's formula basically जो chapter है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है. It means what is our syllabus that we have to study. वो चीज important है और फिर उसके बाद हम इस chapter पे proceed करेंगे. So let me open the syllabus first. For class 9th, mathematics. अरे ये तो इसमें है भी नहीं. ये क्या जो तैयारी की. Are you sure Heron's formula is coming? Let me do it for you. See this. ये जो class 9 का surface area and volume है. अच्छा हाँ, areas में. Area of triangle using Heron's formula without proof. चलो ठीक है. Area of triangle using. वही मैं कह रहे थे, अरे ये गायब कहाँ हो गया. ठीक है, तो area of triangle using Heron's formula ये हमें करना. ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला की बात होगी तो बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला जैसा कि कह रहा है कि ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए यूज होता है. जैसे हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है तो हम करते क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करते. ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि हीरोन्स फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो हु इज हीरोन, दैट इज व्हाट, जस्ट ने ये फॉर्मूला डिवाइस किया. ओके, द मैथमेटिशियन. ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करें कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए. या फिर अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वहां पे रूट 3/4 ए स्क्वायर भी यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट. लेकिन क्या हो कि आपको ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड नहीं पता, उसकी हाइट नहीं पता. बेसिकली आपको तीनों साइड दिया हुआ है. ठीक है, तीनों साइड यानी एक ट्राइंगल का तीनों साइड आपके सामने है, साइड ए, साइड बी, साइड सी. तो इन साइड्स को यूज करके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो बाय दिस हीरोन्स formula. So as Kab asked, who was Heron? So Heron was born in about 1080. Okay, possibly in Alexandria, in Egypt. ये सब जो है ना, इस type की जितनी चीजें हैं, Egypt का इसमें बहुत बड़ा role है. ठीक है, mathematics or you can say geometry. ठीक है, so he worked in applied mathematics. His works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. Yes. ठीक है, his geometrical works, see, आ गया ना, deal largely with problems on mensuration, means measurement and all, written in 3 books. Book 1 deals with the area of a square, rectangles, triangles, trapezoids, that is trapezia, trapezium basically, singular. Various other specialized quadrilaterals, the regular polygons, circles, surfaces, cones, spheres. And in this book, Heron has derived the formula for the area of triangle in terms of its 3 sides. Yani ye jo formula hai, ye hum area nikal sakte hain triangle ka, jahan pe sirf hume kya diya ho, 3 side given ho, wo hamare liye kafi hai. Theek hai? So what is the formula to calculate it? Ye hai formula. अब इसको समझेंगे अच्छे से. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है. इसे आइसोसेलेस ही बना रहे हैं. आइसोसेलेस पूरा नहीं चाहिए, नहीं तो वो इमेज हो. चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं.
ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, कोई सा भी ट्राइंगल, सनी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल है, कोई सा भी ट्राइंगल, इवन राइट एंगल ट्राइंगल है, तब भी अप्लाई होगा। अब एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके तीन साइड्स हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, दिस वन इज डिनोटेड बाई स्मॉल बी एंड दिस वन इज डिनोटेड बाई स्मॉल सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर। क्या चाहिए होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है, डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एस से, ठीक है। अब स्मॉल एस से हम जब डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? दैट इज बाउंड्री। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है किसी भी, आप 2D शेप फिगर का लेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हो जाएगा। सेमी मीन्स हाफ। तो सबसे पहले हम s कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल s कैलकुलेट करते हैं, विच इज व्हाट अ सेमी पेरीमीटर मींस द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब ये कैलकुलेट करने के बाद जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो दैट इज गिवन बाय अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस साइड ए, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड बी, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड सी। ये होगा हमारा क्या? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द हीरोन्स। ओके, ताकि हम तीन साइड से हम एरिया उस ट्राइंगल का कैलकुलेट कर सके। ये फॉर्मूला यूज होता है, जनरली यूज होता है, बड़े बड़े इतने सोचिए फील्ड्स होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। अब कहां आप जाओगे उसका मेजरमेंट करने के लिए? तो वहां पे ये हीरोन्स फॉर्मूला हमें मदद करता है उन फिगर्स को, उन फिगर्स की दैट इज एरिया कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली व्हाट? दैट इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। उसके बाद ये फॉर्मूला है जहां पे हम स्क्वायर रूट करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन। एक बार मुझे याद है जब मैंने अजीजिया ओपन किया था नया, ठीक है, तो उस वक्त एक स्टूडेंट था, उसने ज्वाइन किया था, बहुत माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट। जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ वो उसी अपार्टमेंट में फ्लैट में है अभी। उनके जो छोटा भाई था उसका माशाल्लाह मेडिकल में हो गया है, ठीक है, आबाद, और वो भी यही था, अजीजिया नहीं था बेसिकली, ठीक है। और उसके बड़े भाई था इमाद, यस, इमाद के 11th एंट्रेंस सेलेक्शन भी हुआ था। और बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी कोई चीज़ पढ़ाते थे तो मतलब वो ऊपर की चीज़ें पूछता है ज़्यादा, ठीक है। तो जब मैंने एकदम नया नया ओपन किया था अजीजा, आई थिंक फर्स्ट बैच या सेकंड बैच, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ एग्जैक्टली, तो उसमें वो था। तो उसने कहा था जब मैं ये पढ़ा रहा था 9th क्लास को, तो उन्होंने कहा सर हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे द डिराइव इन। तो हालांकि वो इस लेवल पे पढ़ाते ही नहीं है, वो बड़े लेवल की चीज होती है, लेकिन सिर्फ उसके कहने पे फिर मैंने वो पूरा डेरिवेशन किया था। मतलब अच्छा खासा बड़ा डेरिवेशन होता है हीरोन्स फॉर्मूला का, तो डिराइव करते हैं, दैट रिक्वायर्स वेरी बिग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली। तो उसको मैंने डेराइव किया था जो है उसके कहने पे, उसको मीन्स वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। हालांकि जनरली जो जिस लेवल की चीज़ होती है उसी पे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं, हर स्टूडेंट अलग लेवल के होते हैं, टाइम एक कोर्स का होता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से हर चीज़ एक ही जगह नहीं पढ़ा सकते। तो वहाँ पे हमने इसको डिराइव किया था फर्स्ट टाइम, आज भी मुझे याद है, और हालांकि उसके बाद नहीं किया क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो डेरिवेशन आप इंशाल्लाह हायर क्लास में करोगे, जब आप मैथमेटिक्स लोगे तो आप जाएंगे, तो आप हायर क्लास में इंशाल्लाह आप इसको फेस करेंगे, इसके डेरिवेशन को, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला हमारे सामने है, यहां तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो कोर्स में भी लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ। यस फातिमा, आपकी चोट कैसी है अब? कुछ बेटर?
ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल सॉल्व करके इन्होंने दिखाया है, ठीक है, और हम उसी पे आते हैं, एग्जांपल वन पे डायरेक्ट आते हैं। नॉट गुड, ओके, दुआ करते हैं भाई जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट या टीचर दोनों की तबीयत खराब होना इट्स नॉट गुड, क्योंकि दोनों का लॉस होता है, स्टूडेंट की तबीयत खराब है तब भी उसका लॉस हो रहा है, टीचर की तबीयत खराब है, देखो स्टूडेंट की तबीयत खराब है तब भी स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, और टीचर की तबीयत खराब है तब भी स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए दुआ करना चाहिए कि दोनों की तबीयत ना खराब हो, क्योंकि लॉस अल्टीमेटली स्टूडेंट का ही होता है। वो बात अलग है कि नहीं कोई टीचर है तो भाई ठीक है उतने दिन कोई और टीचर पढ़ा, मैं भी गया हुआ था 20 दिन से जुलाई में अब्बा के जब इंतकाल हो गया था, तो बहरहाल मैं तो एक चैप्टर पर थोड़ा सा मेरा डिले हुआ, बाकी सारी चीजें एकदम ट्रैक पे आ गई, क्योंकि मैं अर्ली लेके चल रहा था, सिलेबस थोड़ा टाइम से पहले हमारा कंप्लीट हो रहा था, बहुत ज्यादा लॉस बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हर बार हर टीचर के साथ ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है उसका एरिया आपको निकालना है, एग्जाम्पल वन, जिसमें कह रहा है दो साइड्स, तो 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, यानी मान लो ए जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और बी जो है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है, एक तो आपको थर्ड साइड नहीं पता, ठीक है, और क्या गिवन है, क्योंकि थर्ड साइड भी जरूरी है अगर आप हीरोंस फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर गिवन है, उस ट्राइंगल का क्या गिवन है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे मैंने कहा कि पेरीमीटर दो चीजें हैं, बहुत ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप इससे सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट निकाल सकते हो, पी बाई टू करोगे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, आपको ए प्लस बी प्लस सी करने की बाई टू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पेरीमीटर डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है एस निकालने के लिए, बात समझ में आ रही, यानी हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो अगर पेरीमीटर की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है तो सिर्फ आपको पी बाई टू करना है सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए। Are you getting this point? ठीक है, और अगर पेरीमीटर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर हम तीनों साइड्स को लेके फिर a प्लस बी प्लस सी बाई टू करेंगे तब सेमी पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है तो फिर थर्ड साइड की क्यों जरूरत है, थर्ड साइड की जरूरत है हीरोंस फॉर्मूला के लिए, क्योंकि वहां पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे आपको ध्यान देना है कि यूनिट्स सब सेम होना चाहिए, मतलब सेम इन द सेंस सेम एसआई यूनिट में होना चाहिए, पता चला एक सेंटीमीटर में दिया हुआ दूसरा मीटर में दिया हुआ है तो फिर आपको सबको सेम रखना पड़ेगा, सेम या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, जो रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। चलो तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा पी बाई टू, दैट मीन्स 32 बाई 2 सेंटीमीटर, याद रखना यूनिट्स, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया, पहली चीज। अब हमें चाहिए क्या, सी, तो अब देखो तीनों साइड सम करके ही तो पेरीमीटर आता है, ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू p, तो a 8 है b 11 है c हमें नहीं पता, पेरीमीटर हमारा 32 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा c दैट इज 32 माइनस 19, ठीक है, तो c क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो देखो पहले पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकाल, फिर थर्ड साइड निकाली जो मिसिंग थी, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपने फिगर बनाया हुआ है तो वहां पे मेंशन करेंगे कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी व्हाटएवर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते, ये याद रखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यूज पुट की, ठीक है, ये क्या हो जाएगा s, s is 16, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस c 13। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया,
हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस सीधा एरिया की यूनिट लिख देना। अगर सब मीटर में होता तो यहां मीटर स्क्वायर लिखते हैं, अब किलोमीटर में होता तो यहां किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं, दैट्स इट। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16 into -8 हो जाएगा, 16 - 11 5 हो जाएगा, और 16 - 13 क्या हो जाएगा, 3। देखो 16 का रूट करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। 8 है तो देखो 8 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 इसका बाहर आ जाएगा तो मीन्स 2। अब अंदर क्या बचेगा, 2 into 5 इन सिंपल फैक्टराइजेशन करके जैसे हम स्क्वायर लेते हैं, अब वो चीज भी अब आप लोगों ने छोटे मतलब उसमें किया होगा, ठीक है, क्लासेस में। ये देखो कितना आ गया, 8 root 30 centimeter। किसी स्टूडेंट को स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं दिक्कत अगर है तो वो लिख सकता है चैट बॉक्स में, मैं इसको करके बता दूंगा, नहीं तो अगर स्क्वायर रूट लेने आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट है तो वो पूछो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डन लिखो। स्क्वायर रूट में डाउट है, ओके तो देखो यहां पे जैसे है, अब स्क्वायर रूट लिया तो 16 है, 16 क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, 8 को फैक्टराइज करो, 2 into 2 into 2, 5 into 3 हो गया। अब ये दो पेयर में है, 1 2 बाहर हो जाएगा, ये दो पेयर में 1 2 बाहर हो जाएगा, ये दोनों पेयर में है 1 2 बाहर हो जाएगा, अब इसका कोई पेयर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, 2 into 5 into 3, तो देखो 2 2 8, ये आ गया 8 और ये हो गया root 30। अब बात समझ में आ गई, एनी मोर डाउट्स, ये तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो ऐसे हमें हीरोंस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, अब हमारे पास तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा के, बेस यही है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां क्या कह रहा है, अ ट्राइंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 meter, यानी एक ट्राइंगुलर पार्क है, जैसे पार्क होता है आप जानते हैं वहां पे फेंस भी लगा होता है, तो उसी टाइप से यहां पे लिख करा है इन्होंने, तो एक साइड उस ट्राइंगुलर पार्क की 120 मीटर है, दूसरी 80 meter से 30-50 meter है, ठीक है। आगे क्या बोलो, अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, यानी उसको चारों तरफ फेंस लगाना है ताकि वो अंदर घास को उगा सके, नहीं तो जाहिर सी बात है कोई जानवर या कोई बच्चे या कोई लोग उसमें आके उसको खराब कर सकते हैं। तो कह रहा हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, यानी उसको कितना एरिया चाहिए, एक तो प्लांटेशन के लिए, तो कितना एरिया चाहिए, हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल है, पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया पे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके लिए यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं एग्जांपल टू, ए कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 120 सेंटीमीटर, अच्छा एक दिमाग में आ रहा है सर, ए किसको ले, बी किसको ले, सी किसको, किसी को भी ले लो, ना कोई फिक्स नहीं, आप बड़ी साइड को भी ए ले सकते हो, छोटे साइड को भी ए, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया 80 सेंटीमीटर और सी हो गया क्या 50। तो सबसे पहले हमें निकालना एरिया टू बी प्लांटेड, एरिया टू बी प्लांटेड के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना ही पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, क्योंकि यहां पेरीमीटर की डायरेक्ट बात हुई है क्वेश्चन में, नहीं हुई है, ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पे ए प्लस बी प्लस बाई टू करेंगे
120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 250 बाय 2 सेंटीमीटर, हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। एक तो ये सेमी पेरीमीटर, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब एरिया क्या बोल रहा था उसी स्टेटमेंट की, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, एरिया शी नीड्स टू प्लांट वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। अब इसलिए हम यहां पे हीरोंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस ठीक है। तो अब ये आ जाएगा एस की वैल्यू रखेंगे दैट इज 125 जाएगा 125 माइनस 120 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50। अब यूनिट क्या रखेंगे, यहां पे यूनिट क्या लगेगी फातिमा, यहां पे हम यूनिट क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द यूनिट हियर, मीटर। ओहो, ये गलती कर दी, तो मीटर लिखेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चलो यहां पे तो मैंने ये गलती कर दी, वैसे मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूं, सब मीटर यहां पे मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या यूनिट लिखूंगा, यस वी विल राइट मीटर स्क्वायर, एरिया कर रहे हैं, वॉल्यूम होता है तो मीटर क्यूब, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी स्क्वायर, वॉल्यूम होता है तो क्यूब, ठीक है। तो चलो फिर अब इसको लेते हैं, ये हो जाएगा 125 माइनस 125 हो जाएगा 125 माइनस 80 यहां पे हो जाएगा 45 और 125 माइनस 50 कितना, मतलब इसको माइनस करेंगे देखो कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 75 मीटर स्क्वायर, ये कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 125, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 आ गया, ये वाला 45 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 दैट इज 5 × 9 = 45 75 को करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 5 ठीक है मीटर स्क्वायर। देखो एक 5 का कपल मिल गया, एक 5 बाहर आ जाएगा, दूसरा 5 भी पेयर में मिल गया, एक 5 बाहर आ जाएगा, तीसरा मतलब 3 भी पेयर में मिल गया, ये भी एक 3 बाहर आ जाएगा, ये पेयर में मिल गया, एक 5 बाहर आ जाएगा, अब क्या बचेगा, 5 और 3 अकेला बच रहा है, ये अंदर ही रहेंगे, इनको कोई पेयर नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 × 25 × 125 × 125 = 375 ये हो जाएगा 375 √15 मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा शी नीड्स टू प्लांट। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लेट अस सी दैट, क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व है, हम बस समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। सॉल्यूशन कभी कोई टेंशन नहीं है, बट यहां पे देखना अब करना क्या है,
ये कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी चीज की कॉस्ट निकालना है। मान लो कि मेरे पास ये एक कप 10 रुपए का है, ठीक है, अब बताओ मुझे 10 कप खरीदने हैं, मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो भाई कितना पेमेंट करूं मैं? एक कप 10 रुपए का है, 10 कप मुझे खरीदने हैं, 10 कप्स, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? इस फातिमा कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 100 रुपए। तो यहां पे आपने क्या किया, इस पे ध्यान दो, इस कॉस्ट को लाने के लिए जो कि 100 रुपए आ रहा है, तो आपने क्या किया कि एक कप का जो पैसा था उसको नंबर ऑफ कप से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया, यानी नंबर ऑफ कप्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया। तो इसी तरह जब हम एरिया या पेरिमीटर या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो देखो यहां पे फेंसिंग करनी है, तो कह रहा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालो। देखो वही कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी चीज आप फेंसिंग कर रहे हो तो फेंसिंग देखो किसमें होगी, आप जब फेंसिंग करोगे बाउंड्री पे करोगे, तो बाउंड्री क्या है? लेंथ, ठीक है, बाउंड्री क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि रेट इज 20 रुपीज पर मीटर, तो रेट क्या कह रहा है? रुपीज 20 पर मीटर। कॉस्ट निकालना है तुम्हें, रेट 20 रुपीज पर मीटर दिया हुआ है, तो ये बताओ यहां पे मुझे क्या लाना पड़ेगा अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है? बहुत ध्यान से रिलेट करो, एक कप की कॉस्ट 10 रुपए थी, तो नंबर ऑफ कप से मल्टीप्लाई किया टोटल कॉस्ट निकालने के, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो रेट ऑफ फेंसिंग को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कॉस्ट आ जाए, कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा भाई फेंस कर दो पूरे चारों तरफ। देखते हैं कौन बता पाता है, किसके दिमाग में आया, हु इज गोइंग टू टेल कि यहां पे क्या आएगा? Yes, टाइम लग रहा है, जल्दी, यहां पे क्या आएगा? यहां पे रेट कप का दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ कप से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे रेट किसका दिया हुआ है? फेंस लगाने में कितना पैसा खर्च होगा, तो रेट किसका दिया हुआ है? देखो तो यहां पे रेट दिया हुआ था ₹10 पर कप, हिंट कर रहा हूं, यहां पे दिया हुआ है ₹20 पर मीटर। अब देखो जवाब, देखो क्या हो सकता है, यहां पे क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के लिए? यही सब कॉन्सेप्ट्स हो, बाई द पेरीमीटर का आप कह रहे हैं, ओके। और दूसरे क्या आंसर है जुवेरिया का, फातिमा का, मोहिमिन ने तो ज्वाइन नहीं किया, बताओ। एरिया देखो फिर से समझो, यहां पे रेट क्या है? ₹10 पर कप, एक कप का रेट दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ कप से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहां पे एक मीटर का रेट दिया हुआ, यानी एक मीटर आप फेंस करोगे तो ₹20 पे करने हैं, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ मीटर्स बेसिकली, या फिर हम बोलेंगे क्या, पेरीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस, यानी एक मीटर तार लगाओगे तो ₹20 पे करने आप,
तो मान लो 20 मीटर तार लगेगा, 20 मीटर, तो आप उसको इन 20 करोगे कि नहीं करोगे? एरिया क्यों कैलकुलेट करेंगे? एरिया तब होता है ना जब हम पूरी फील्ड में फेंसिंग कर रहे होते हैं। यहां तो फील्ड के किनारे करना है, और किनारे पे क्या आता है? किनारे पे क्या आता है? पेरीमीटर आता है। बात समझ में आ रही? तो देखो रेट किसका दिया हुआ है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, व्हाइट वॉशिंग करवानी है, ठीक है, आपको घर में व्हाइट वॉशिंग करानी, वो कह रहा है व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है ₹22 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या डिनोट करता है फातिमा? मीटर स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम, डिस्टेंस या एरिया? ये हम लोगों ने लिखा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन किया। मीटर स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम, एरिया या डिस्टेंस? मैं ये कह रहा हूं कि मैं मुझे व्हाइट वॉशिंग करानी है घर में। अब उसने कहा कि भाई व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट जो है ₹22 पर मीटर स्क्वायर है, मतलब ये रेट है। तो इसका मतलब एक मीटर स्क्वायर का ₹22 लेगा वो। तो मीटर स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है? यस, एरिया डिनोट कर रहा है। तो ये बताओ टोटल कॉस्ट कितना लगेगा पूरे घर को व्हाइट वॉश कराने के लिए? तो ये बताओ अब आपको क्या चाहिए ताकि उसको रेट से मल्टीप्लाई करो कॉस्ट लाने के लिए, कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो यहां पे क्या चाहिए होगा इस बॉक्स में? इस रेट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक मीटर स्क्वायर का ₹22, तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए इस बॉक्स में? मैं हिंट कर रहा हूं फिर से, एक कप का कॉस्ट ₹10 है, तो यहां हमने नंबर ऑफ कप्स लिया, यानी टोटल कप्स लिया और रेट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट आ गई। तो जब एक मीटर स्क्वायर का ₹22 है तो कॉस्ट लाने के लिए आपको यहां टोटल एरिया चाहिए ना। समझ में आई बात कि नहीं? अभी भी भाई रेट जिस की चीज के बारे में उसी का तो टोटल चाहिए आपको। रेट एक कप का ₹10 है, टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कप चाहिए। एक मीटर स्क्वायर का ₹22 है तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल एरिया चाहिए। तो इसी तरीके से यहां पे कह रहा है कि फेंसिंग का रेट क्या है? ₹20 पर मीटर, यानी एक मीटर फेंस करोगे तो ₹20 पे करने पड़ेंगे। तो टोटल मुझे क्या चाहिए यहां पे? टोटल डिस्टेंस चाहिए ना। क्या निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए, यस और नो? कॉस्ट कितनी आएगी फेंसिंग करने की? तो उसके लिए मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए ना उस ट्रायंगल के बाहर बाहर। और वो मुझे क्या देगा? और वो मुझे कैसे मिलेगा? पेरीमीटर से। पेरीमीटर बाउंड्री की तो बात करता है, कोई भी फिगर है पेरीमीटर बाउंड्री की बात करें, लेकिन उसमें यह कह रहा है कि 3 मीटर की जगह छोड़नी है गेट के लिए। तो यहां पे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पेरीमीटर माइनस 3 मीटर। तो कह रहा है 3 मीटर छोड़ना है गेट के लिए, वहां पे फेंसिंग नहीं चाहिए। तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ, दैट इज 250 मीटर्स माइनस 3 मीटर, दैट मींस 247 मीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस है। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें निकालनी है, सो दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इनटू रेट ऑफ फेंसिंग, इंटू रेट ऑफ फेंसिंग। अब कॉस्ट क्योंकि रुपीज में होती है इसलिए रुपीज यूनिट हमेशा हम पहले लगाते हैं,
उसको पहले ही लगा दो। अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 247। अब चूंकि एक यूनिट अब आप लगा चुके हो तो अब 247 मीटर लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट होके रुपीज ही आएगा बाद में। तो हमने पहले ही वो यूनिट लगा दी, अब यहां पे 247 मीटर लिखने की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम एक यूनिट यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो 247 इंटू रेट ऑफ फेंसिंग क्या था, कितना था बताओ, 20 रुपए था, 20 रुपए पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 2, 7, 14, 9, 2, 2, यानी 4,940 रुपए पे करने पड़ेंगे उस पूरे फील्ड की फेंसिंग करने के लिए। अभी भी कोई डाउट है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया, एक तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट स्टडी किया इसमें कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, वो रेट पे डिपेंड करेगा और जिसका रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। कप का रेट है तो टोटल नंबर ऑफ कप्स चाहिए, मीटर स्क्वायर यानी एरिया का रेट है तो टोटल एरिया चाहिए। अगर एक मीटर स्क्वायर का इतना 22 रुपए है तो भाई टोटल एरिया कितना है घर का जो पेंट होना है, सिंपल भाई। इसी तरह हम टाइल्स पे ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि भाई एक टाइल का जो एरिया है वो इतना है तो टोटल टाइल्स कितनी लगेंगे, भाई टोटल एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कॉस्ट जब निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं किस पे, वो डिपेंड करेगा रेट पे और जो आपका यू कैन से कैलकुलेबल यूनिट्स है, जैसे पेरीमीटर हो गया या टोटल डिस्टेंस हो गया या फिर एरिया हो गया। ठीक है, इस पे डिपेंड। इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो ये तो फिर डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस फातिमा साहब, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल थ्री, अब एग्जाम्पल थ्री में क्या बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो दिस। देखो जब भी क्वेश्चन रेशियो में दिया हो, अब यहां पे साइड्स का रेशियो दिया तो वहां पे सबसे पहले इस रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू क्या है उन साइड्स की, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर तो फाइंड इट्स एरिया। तो पेरीमीटर दिया हुआ, जैसे सेमी पेरीमीटर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, साइड्स रेशियो में दिया हुआ है तो सबसे पहले साइड्स की एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यह करना है कि जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके आगे कोई वेरिएबल लगा देना। जैसे एक साइड हमारी हो जाएगी 3x, हम 3m भी ले सकते हैं, 3u भी ले सकते हैं, 3s भी ले सकते हैं, मींस इट डिपेंड्स। हाँ, लेकिन पेरीमीटर यहां पे सेमी पेरीमीटर के लिए s यूज करेंगे तो हम कोई दूसरा वेरिएबल, और उसको ले जाएंगे 5x और इसको ले लेंगे क्या 7x। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो एग्जाम्पल थ्री में अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल थ्री, एक साइड हमारी क्या हो जाएगी 3x, दूसरी साइड हो जाएगी हमारी क्या 5x, और तीसरी साइड हो जाएगी क्या हमारी 7x। ये दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 300 मीटर्स। ठीक है, अब पहला टारगेट क्या है, पहले साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ तीनों साइड्स का सम किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो फिर ये हम देंगे 7, 5, 12, 3, 15 यानी 15x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 20। अभी x की वैल्यू होगी 20। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इसी x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहां पे हो जाएगा, यहां पे 300 मीटर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। सो नाउ a क्या हो जाएगा 3x
दैट मीन्स 3 × 20 मीटर, दैट मीन्स 60 मीटर्स। जब भी रेशियो हमारे पास होगा तो रेशियो का सबसे पहले हमें वैल्यूज की भाई साइड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 60 मीटर हो जाएगा। बी हो जाएगा क्या, 5x, दैट विल बी 5 × 20 मीटर्स, दैट विल बी 100 मीटर्स। और सी क्या हो जाएगा, 7x, दैट मीन्स 7 × 20 मीटर्स, दैट मीन्स 140। यानी पहले हमने तीनों साइड निकाल, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करना हमारे लिए टाइम वेस्ट करने के जैसा होगा। तो पेरीमीटर की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो यहां पे 300/2 मीटर हो जाएगा, दैट मीन्स 150। पहला स्टेप क्या, तीनों साइड्स के वैल्यू, तो यहां पे हमने जो रेशियो था उसकी उसमें एक वेरिएबल अटैच करके उनको एक वैल्यू दी। फिर उसके बाद जो है हमने साइड्स कैलकुलेट किया और सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट। ओके, सो नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे कुछ मेंशन है, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ प्लॉट, या हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट। फर्स्ट विल राइट व्हाट फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, अभी क्योंकि वैल्यूज पुट नहीं की हैं तो यूनिट यहां पे नहीं लिखेंगे, अब यहां पे पहले सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। 150 हो जाएगा 150 - 60, 150 - 100 और 150 - 140। यस फातिमा, यहां पे क्या यूनिट लिखेंगे अब बताइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 150 × 90 × 50 × 10, 150 - 140 10 हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 5 × 5, 150 × 3 × 2 10 5 = 9, 50 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, और 10 को करेंगे 2 × 5 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक थ्री ये पेयर में मिल गया, एक थ्री बाहर आ गया, ये टू पेयर में मिल गया, एक टू बाहर आ गया, फाइव पेयर में मिल गया, एक फाइव बाहर आ जाएगा, ये फाइव पेयर में मिल गया, ये भी आ गया, और ये टू, ठीक है, एक टू बाहर आ जाएगा, ये फाइव, फाइव भी बाहर आ जाएगा, अब बचा अकेला अंदर थ्री, ये अंदर ही रहे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 2 = 250, 250 × 2 = 500, 500 × 3 = 1500 है। कॉन्सेप्ट में हीरोंस फॉर्मूला के कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई डाउट? तो अगर हम देखें व्हाट इज लेफ्ट विद अस आफ्टर हीरोंस फॉर्मूला, तो एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स है इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन। यानी सिर्फ हमें किसका करना है, हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम स्फीयर का देखना है, हेमिस्फीयर का देखना है और राइट सर्कुलर कोन का देखना है, सिर्फ इन तीन का देखना है।
ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स हमारा बचेगा जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम देखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग टॉपिक। ओके, और क्या बचा? क्वाड्रिलेटरल और सर्किल, यानी एक दो, ठीक है, और तीन और चार, यानी सिर्फ चार चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में हीरोंस फॉर्मूला के बाद, ठीक है। तो चलो फिर अब हीरोंस फॉर्मूला नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास करेंगे, कल हमारे साइंस का टर्न है, तो साइंस में हम लोग कर रहे थे टिश्यूज, तो टिश्यूज हम लोगों ने, अच्छा टिश्यूज कवर अप कर लिया था, नहीं, एपिथेलियल टिश्यू तो चल रहा था, यस एपिथेलियल टिश्यू चल रहा था, और फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, फिर मस्कुलर टिश्यू एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? हो गया ये? चलिए फिर तो कल मिलते हैं सेम टाइम। और अच्छा ये बताओ आप लोग फ्राइडे में काब एंड जुएरिया, फ्राइडे में क्या शेड्यूल है, ऑफ है क्या है, क्योंकि यहाँ पे जन्माष्टमी की छुट्टी है इंडिया में। अगर मैं अच्छा मैंने 8 क्लास से नहीं, तो फ्राइडे में क्या शेड्यूल है आप लोग का? तो हो सकता है मैं फिर मॉर्निंग में क्लास ले लूँ, मॉर्निंग इन द सेंस कि उस दिन फ्राइडे भी है, तो से पहले पहले फिनिश भी करना होगा, मतलब 1 बजे से पहले पहले फिनिश करना होगा क्लास को। तो फ्राइडे में क्या शेड्यूल है आप लोग का? अभी स्कूल का बेसिकली सोने का प्लान था। अच्छा क्लासेस इन द मॉर्निंग, मैंने सोचा सोने का, अब तक रिप्लाई नहीं आया था, सब सोच कि देर में सोया था सोऊंगा कल तो सुबह ही क्लास ले लेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब क्लासेस हैं तब तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक भी क्लास का अगर नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि तीनों क्लासेस कंटिन्यू ही चलती हैं, ठीक है, वजह से। ओके देन, ओके चलिए कल मिलते हैं, दैट इज टिश्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट। गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।